हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवी एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम डेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा तिथि घोषित थी। यहाँ देखिए संपूर्ण जानकारी हम लेकर के प्रेजेंट है, लगातार हमारे चैनल बने रहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के तहत नए उम्मीदवारों को पदों पर नियुक्त करने हेतु निर्णय लिया गया था तथा जनवरी 2024 में लाखों उम्मीदवारों से जो है आवेदन पत्र मांगे गए थे। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों ने 17 एवं 18 फरवरी को जो है मध्य एग्ज़ाम अपने दिए थे। अब बता देते हैं कि अब इसमें अपनी उपस्थिति दी थी और राज्य भर में जो है पूरे पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के अंतर्गत उम्मीदवारों ने अपनी तैयारी के साथ परीक्षा प्रदर्शन किया था, परंतु कुछ निजी कारणों एवं पेपर लीक हो जाने की वजह से राज्य सरकार के द्वारा इस भर्ती की परीक्षा को रद्द करवा दिया गया। यूपी पुलिस विभाग के द्वारा परीक्षा रद्द करवाया जाना सभी परीक्षार्थियों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। अब किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा रद्द होने पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य में पुनः यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा जारी करवाया जाना सुनिश्चित किया गया है। परीक्षार्थियों की चिंता को देखते हुए तथा उनकी मेहनत को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को फिर से आयोजित करवाए जाने का आश्वासन दिया गया। मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक सूचना के आधार पर यह बताया गया है कि राज्य में 6 महीने के अंतर्गत फिर से परीक्षाएं होंगी तथा जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा हेतु तैयारी की थी उन सभी के लिए उनके प्रदर्शन की स्थिति के आधार पर कांस्टेबल के पदों हेतु चयनित भी किए जाएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा तिथि परीक्षा रद्द हो जाने के बाद से ही सभी परीक्षार्थी फिर से आयोजित करवाई जाने वाली परीक्षा के लिए तिथि की सूचना जानना चाहते हैं और ऐसे परीक्षार्थियों के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा री एग्ज़ाम हेतु मुख्य तिथियां मई माह के अंतिम तक जारी की जा सकती है। संभावित तौर पर राज्य में पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा को अगस्त माह के अंतर्गत सफल करवाया जा सकता है, जिसके अंतर्गत पुष्टिकरित सूचना जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए आयोजित करवाई जाने वाली परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल की री एग्ज़ाम के लिए सिलेबस, जो विद्यार्थी अब पुलिस कांस्टेबल की पुनः परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए बता दें कि उनके लिए पिछले नोटिफिकेशन था उसके अंतर्गत जारी किया गया सिलेबस ही इस बार भी परीक्षा में मान्य किया जाएगा। सभी परीक्षार्थियों को मान्य रहेगा, उसके आधार पर ही तैयारी करनी होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में उम्मीदवारों के लिए प्रश्न पत्र में सामान्य गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान इत्यादि सभी प्रकार के प्रश्नों को समाहित किया जाएगा। परीक्षार्थियों के लिए बता दें प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 120 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें समय के अंतर्गत उनके लिए कुल 150 प्रश्नों को पूरा करना होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए आयु सीमा की बात करें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के अंतर्गत पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु एज सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम एज सीमा 22 वर्ष रखी गई है। इसके अंतर्गत अलावा महिलाओं के लिए न्यूनतम एज सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम एज सीमा 25 वर्ष तक निर्धारित करवाई गई है। महिलाओं के लिए एवं आरक्षित श्रेणी उम्मीदवारों के लिए एज सीमा एक सामान्य है। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा
2024 के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सभी उम्मीदवारों के लिए किसी भी बोर्ड मान्यता द्वारा प्राप्त इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को पूरा करना आवश्यक है। इसी के साथ उनके लिए अन्य संबंधित डिप्लोमा भी आवश्यक हो सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा के डेट से लगभग एक सप्ताह पहले ही जारी करवाया दिया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड अनिवार्य रूप से डाउनलोड करेंगे। यूपी पुलिस एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एडमिट कार्ड हेतु एक्टिव करवाई गई लिंक को सिलेक्ट करना होगा। अब आपको अपनी आईडी एवं पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करने की आवश्यकता होगी। अब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करना होगा। आपके सामने स्क्रीन पर एडमिट कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसे डाउनलोड कर लेना होगा। अब एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल ले, परीक्षा हेतु संभाल कर रखें। तो दोस्तों, इस तरह की अपडेट पाने के लिए लगातार चैनल बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।